फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पेशल एडिशन ऑफ टैक्स फॉर वेल्थ। यहां पर आज दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में तीन चीजें बताने वाला हूं जो आज ही आपको करनी है अपने पोर्टफोलियो को दोबारा से चेकअप करने के लिए और दोबारा से चेक करने के लिए कि कहीं मार्केट के लॉस की वजह से आपका पोर्टफोलियो भी तो नहीं कहीं ज्यादा लॉस में जा रहा हो। तो इमीडिएटली दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। वो तीन चीजें कुछ इस प्रकार है दोस्तों। जैसा आप सभी को पता है मार्केट अभी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगलिंग फेज में है मार्केट, जहां पे इक्विटी में जो आउटफ्लो है इनफ्लो से ज्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली स्टॉक मार्केट गिर रहा है। तो पहले चीज जो आज आपको दोस्तों करनी है इमीडिएटली वो ये चेक करनी है कि आपके कोई पोर्टफोलियो में ऐसा शेयर तो नहीं है जो 30% से ज्यादा लॉस कर चुका है। दोबारा मैं रिपीट करूंगा, आपके पोर्टफोलियो में पहले ये चेक करना है कोई ऐसा शेयर तो नहीं पड़ा हुआ है जो 30% से ज्यादा लॉस कर चुका है। अगर है तो आज के आज ही उस शेयर को इमीडिएटली सेल करें। मैं दोबारा बोलूंगा, आज के आज उस शेयर को इमीडिएटली सेल करें, क्योंकि वॉरेन बफे का रूल कहता है जब भी कोई शेयर 30% से ज्यादा अपनी वैल्यूएशन खोता है तो उस कंपनी में क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है। एक क्रॉनिक प्रॉब्लम मतलब उसमें एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो आज ही उस शेयर को बेचे, मेरे हिसाब से यह रिकमेंडेशन आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ्रूटफुल साबित होती है, क्योंकि दोस्तों 30% से ज्यादा का लॉस बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों अगर आपने 1,00,000 रुपए लगाए थे और उसकी वैल्यू 30,000 डाउन है, मतलब 70,000 की स्टिल वैल्यू बची हुई है। अगर दोस्तों आज हमने उसको ये नहीं सोच के बेचा कि उसकी वैल्यू 70,000 रह जाएगी, तो फ्यूचर में वो और भी गिर सकती है, वो 50,000, वो 40,000 पे भी आ सकती है। तो हमेशा याद रखना है, आज के आज ही अपने पोर्टफोलियो को डूबने से बचाने के लिए 30% से ज्यादा लॉस वाले शेयर बेचे या फिर उसको एग्जिट कर दें। दूसरा चीज जो आपको दोस्तों आज ही अपने पोर्टफोलियो में करना है, पहले तो ये चेक करना है कि कोई भी ऐसी कंपनी जिससे रिलेटेड कोई फ्रॉड हो रखा है या कोई पोंजी स्कीम है या फिर जिसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शनल इंक्वायरी चल रही है सेबी की, या फिर कोई ऑडिट में उसके ऊपर कोई पंगा आ रहा है, तो वैसी कंपनी के भी शेयर को इमीडिएटली भेजना है। वैसे शेयर की लिस्ट कहां मिलेगी? गूगल पे डालने के साथ आपको मिल जाएगी, जैसे कि कॉक्स एंड किंग है, जैसे कि DHFL है, जैसे कि कई सारी कंपनियां, जैसे कि PC ज्वेलर्स है, ऐसे की बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके शेयर्स में अभी भी प्रमोटर्स या उनकी ग्रुप कंपनीज के ऊपर, यस बैंक भी एक शेयर है दोस्तों, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, बट जिसके ऊपर एक्चुअली में कोई एलिगेशन लगे हैं, माइट भी वो सही है गलत, वो हमारा काम आपका काम नहीं है जज करना, बट एलिगेशन लगे हैं और उस एलिगेशन की वजह से वो शेयर गिर रहा है और उसके वजह से आप क्यों लॉस सफर करें। तीसरी चीज, सबसे पहले आप अपने पोर्टफोलियो में एक IT स्टॉक आज के आज ही इंक्लूड करें। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों आपसे, IT कंपनी जैसे कि विप्रो, जैसे कि इंफोसिस, जैसे कि TCS, जैसे कि टेक महिंद्रा, आज के आज ही इस हाल में IT कंपनी के शेयर जरूर खरीदें। उसके दो लॉजिक हैं, पहला IT कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री होती हैं, दूसरा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक है वो ये है कि IT कंपनियों में दोस्तों आज के टाइम पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है और उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, और जो डॉलर से जो दोस्तों पेमेंट आ रही है आज IT कंपनियों की, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि IT कंपनियां जबरदस्त तरीके से उसका आने वाले टाइम पे मुनाफा होने वाला है। तो मेरा मानना है आज के आज ही ये तीनों स्टेप आज ही आपको लेने चाहिए टू सेव योर पोर्टफोलियो फ्रॉम बिकमिंग मोर एंड मोर वर्स्ट। क्योंकि दोस्तों आप किसी भी एडवाइजर के पास चले जाइए, किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास चले जाइए, वो भी आपको यही बात बताएंगे। तो मैंने आप सभी को वादा किया था कि वीडियोस के थ्रू ये प्लेटफॉर्म आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ प्रोग्रामिंग की स्ट्रेटजीज में हेल्प करता है और हेल्प करता रहेगा। तो आप सभी को इस चीज पे फोकस करना है कि जो भी वीडियो हम इस मीडियम के थ्रू आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आज ही उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो जरूर हमें लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। ये दोस्तों वीडियो मैंने बहुत ही छोटा बनाया है, बट तीन बातें जो मैंने आज बताई, अगर आज के आज ही आप अगर इसको फॉलो करते हो तो याद रखिएगा दोस्तों, आप इस मंदी के दौर में, आप इस बियरिश मार्केट में भी अपने आप को सर्वाइव करने से बचा सकते हो और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आज के हुए लॉसेस से रिकवर कर सकते हो। एक चीज जो कि मैं लास्ट में बताना चाहूंगा, अगर कोई स्टॉक बहुत ज्यादा लॉस कर चुका है, जैसे कि 30% से ज्यादा, उनका क्या करें? उनसे दोस्तों इमोशनल अटैचमेंट प्लीज मत रखिए, गेट रीड ऑफ, उससे तुरंत बाहर निकलिए।
क्योंकि दोस्तों जहां इमोशन है वहां पैसा नहीं, जहां पैसा है वहां इमोशन नहीं। तो आज के आज ही इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करें और सेव करें अपने पोर्टफोलियो को लंबे टाइम के लिए। और अच्छी एनालिसिस की जरूरत हो तो कृपया हमारे को कमेंट में और हमें पर्सनली आप मेल या कमेंट करके बता सकते हैं। तो आशा करता हूं ये बिल्कुल छोटा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको आज ही आपकी पोर्टफोलियो को ऊपर ले जाने में हेल्प करेगा। और इसके थ्रू आप बहुत पैसा कमाएंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, बट नुकसान होने से ये आपको वीडियो जरूर बचाएगा। तो आज का आज ही आप इन तीनों बातों पे अमल करें और अपने आप को पोर्टफोलियो को सेव करें और अपने पैसे को सुरक्षित करें इक्विटी मार्केट में। थैंक यू सो मच।